क्योंकि आईफोन का मैसेज अलर्ट भी आया है। जो भी सरकार जो भी काम कर रही है केंद्र के प्रदेश की, सबसे बहुत घिनौना काम है, गलत काम है। 100% फोन टेप हो रहे हैं और ये अपने मिनिस्टरों का भी करवा रहे हैं। इनके 80% नेता बड़े जो है कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं 80% 2024 के चुनाव में। आजकल के टाइम में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें सब कुछ पॉसिबल है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है टेपिंग का। आप सोचूं कैसा, फोन टैपिंग को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि विपक्ष का फोन टैप किया जा रहा है, आईफोन की तरफ से भी आए। तो आज मैं लोगों से यही बात करूंगा, क्या सही में फोन टैप हो रहे हैं या होते हैं, इसी बात करेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं और इनसे बात करते हैं। ये होते फोन टैपिंग का मामला लगातार चल रहा है जी, उठ रहा है। कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष का फोन टैप करवाया जा रहा है और आईफोन की तरफ से ये आया। कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, इसमें सच्चाई 100% है, क्योंकि आईफोन का मैसेज अलर्ट भी आया है। जो भी सरकार जो भी काम कर रही है केंद्र के प्रदेश की, सबसे बहुत घिनौना काम है, गलत काम है। फोन टैपिंग नहीं होना चाहिए। फायदा क्या हो जाएगा? जी, अखिलेश यादव जी का भी बयान आया था उस पर, और राहुल गांधी जी का भी बयान आया था फोन टैपिंग का मामला, उनका भी मैसेज अलर्ट आया था। सरकार जो भी कर रही है गलत कर रही है। लेकिन ये बताइए, फायदा क्या हो जाएगा? आखिर क्या विपक्ष वाले बात करते हैं जिसको जानकारी लेकर सत्ता पक्ष को फायदा हो जाएगा, ऐसा क्या लगता है? नहीं, जो भी सरकार कर रही है फोन टैपिंग नहीं कराना चाहिए। कौन किससे क्या बात कर रहा है सरकार जानना चाहती है, कौन किस नेताओं से कौन संपर्क में है सरकार ये जानना चाह रही है। सरकार ये जो भी कर रही है गलत कर रही है, इसका विरोध होना चाहिए। मतलब आप सहमत हैं कि फोन टैपिंग होता है? हाँ, फोन टैपिंग होता है भाई। आईफोन मैसेज अलर्ट आया है कि आप अलर्ट रहिए, आप लोगों का फोन टैपिंग हो सकता है। हमारे बड़े नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अभी बयान मीडिया में परसों आया था, राहुल गांधी जी का भी बयान आया था, जो भी है गलत है। ये इनका सीधे तौर पर कहना है कि फोन टैपिंग हो रहा है, होता है, इसीलिए मैसेज भी आया आईफोन की तरफ से। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, फोन टैपिंग को लेकर बड़ा मामले चल रहे हैं, मतलब लोग कह रहे हैं फोन टैप हो रहा है विपक्ष के साथ, क्या सही में हो रहा है? सर, भारतीय जनता पार्टी हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इतना निम्न स्तर से भी गिर जाएंगे। ये इतना सत्ते को लोभी है, इतने गिर जाएंगे, निम्न स्तर की बात गिर जाएंगे। स्मृति ईरानी बहुत कोशिश की उनको अपने इश्क में, फोस्को में या किसी धारा में फंसाने के लिए, तब भी नहीं फंस पाए। अब मोदी इतना निम्न स्तर पे गिर गए जो राहुल भाई को फोन टैप करके कि ये तो अखिलेश यादव ने भी कहा है इस बात, सभी नेता का, अखिलेश यादव के, माया के, राहुल भाई को और कांग्रेस के बड़े बड़े तेजस्वी को, हर किसी का फोन टैप कर क्या लगता है फोन टैप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल के टाइम में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें सब कुछ पॉसिबल है। जितनी भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता या दूसरे और भी जितने भी लोग हैं, ये लोग कोई ना कोई चीज़ करके अपोजिशन पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनकी छवि ख़राब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, देखिए, किसी भी इंसान की अगर छवि ख़राब है तो उसके प्रति लोगों का स्नेह कम हो जाता है। इन्होंने वही एक ईडी और दूसरी तमाम चीज़ें इन्होंने अपना के ईडी सीबीआई, बस ये किसी ना किसी पॉलिटिशियन की छवि ख़राब करके उसको अपने स्टेट में, अपने लेवल पे उसको निम्न स्तर का बना के गिराना चाहते हैं। इसी बहाने वो अपनी राजनीति को आगे फोन ही नहीं टेप हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पॉल्यूशन फैला रही है पूरे देश में, क्योंकि ये हमेशा राजनीति लाशों पर की है। जब किया है तब लाशों की राजनीति किया है। गुजरात से लेकर के आप पुलवामा तक देख लो, पुलवामा में इन्होंने हमला कराया। कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जवान वहाँ मांगे थे, जो ब्रिगेडियर थे, कि हमको यहाँ रस्ते में घटना हो सकती है, आप जो है इसके लिए प्लेन दीजिए, हेलीकॉप्टर दीजिए। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने गूंगे बहरे बने रहे और उसके बाद उन जवानों को बोले नहीं नहीं उसी रस्ते से भेजो, और उसके बाद घटना होती है ठीक चुनाव के टाइम, और उसके बाद बोलते हैं एक और शहीदों के नाम। तो ये क्या है हमको बताइए, अगर आप लाश के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे और पॉल्यूशन देश में नहीं फैला रहे हो, इसके लिए यही है मोदी हटाओ पॉल्यूशन भगाओ। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फोन टैप किए जा रहे हैं उनके, क्या लगता है सही बात? सर, ये तो सब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है सर। देखा जाए तो अभी मणिपुर वाला केस में ये लोग सब चुप थे, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी देख लीजिए सर, बिहार में 1,20,000
बच्चों के लिए आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5 साल से कोई भी प्राथमिक में भर्ती नहीं आई है, जबकि बच्चे जो है हर दसवें दिन, हाँ दसवें दिन जो है धरना देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चे इतने बुरी तरीके से बेरोजगार हैं, आखिर करें क्या वो, लेकिन सरकार पूरी तरह से मौन है। अच्छा, क्या वाकई विपक्ष का फोन टैप हो रहा है, जैसा सत्ता पक्ष के लिए कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष का फोन टैप करवा रहे हैं, क्या सही लगता है? देखिए, ये सरकार जो है किसी भी स्तर तक उतरने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें, जो इस सरकार को जो नहीं करना चाहिए वो काम भी करने के लिए लोग इनके शासन में प्रशासन के लोग करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार सरकार जाने वाली है, गरीबों के नाम पे सरकार बनाई गई, महंगाई के नाम पे सरकार बनी, भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार बनी, नौकरी के नाम पे सरकार बनी। सवाल ये है कि क्या ये सरकार गरीबों के नाम पे सरकार बना करके गरीबों को लाभ दिया जा रहा है, लाभ पहुंच पा रहा है कि आज भी डोम मुसहर नरधरिकार बांसपुर समाज के जो गरीब समाज के लोग हैं वोट देने का काम किए कि सरकार उनको उम्मीद थी कि गरीबों का काम होगा, डोम मुसहर नरधरिकार बांसपुर लोगों का काम होगा, लेकिन इसमें कोई नहीं काम हो रहा है। जो गरीब जनता है पूरी तरीके से त्रस्त है, इस बार सरकार के विपक्ष में वोट करेगी। फिर से मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, विपक्ष ने आरोप लगाया अखिलेश यादव ने और बाकी दलों ने कि सत्ता पक्ष जो सरकार है वो उनका फोन टैप करवा रहे हैं, क्या सही ऐसा है? ऐसा तो बहुत बार हुआ है, इस बार हो रहा है तो भाजपा के जमाने में कोई नई बात नहीं है। ऐसा तो भाजपा के शासनकाल में 10 साल में बहुत बार हुआ है, ये नई बात नहीं है। उनका कहीं एडी भिजवा देंगे, कहीं CBI भिजवा देंगे, कहीं टेप फोन टैप करवा लेंगे। देखिए, शासन जरूर, हम लोग वो समाज से हैं, मैं आदिवासी समाज से हूँ, आदिवासियों ने तो पुराने यहाँ के लड़ाकू हैं, मुगल से लड़े, अंग्रेज से लड़े, आदि काल लड़ते ही रह गए हैं, तो भाजपा से लड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम सबको भगाए तो भाजपा को भी भगा देंगे 2024 में, आदिवासियों में इतना ताकत है भैया, सत्य बता दे रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, क्या सही में टैप हो रहे हैं? ये नए आरोप नहीं है, लगातार आरोप है पेगासस के लिए से, अभी आईफोन को लेकर सारे नेता लगा रहे हैं। जब आरोप लगातार बढ़ रहे हैं, आरोप लगाने वाले की तादाद, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी उसके बारे में। क्या फायदा मिल जाएगा, विपक्ष ऐसी क्या बात करेगा कि टेप सुन करके सत्ता पक्ष को फायदा हो जाए? देखिए, अभी एक महिला सांसद के ऊपर जो पूछताछ हो रही थी, उन्होंने कहा कि पूछने वाला ये पूछ रहा रात में आप किससे बात कर रही हैं, इसका मतलब उसका फोन टेप हो रहा है और पूछने वालों को मालूम है कि वो रात में किससे बात कर रही थी। धीरे धीरे परतें खुलती जाएगी, सत्ता में जब तक है तब तक परतें नहीं खुलेगी, सत्ता जाने के बाद हो सकता है सारे भ्रष्टाचार और सारे परतें खुलती जाएगी। लगातार हर चीज का दुरुपयोग होता रहा, लगातार ईडी CBI हर चीज का तो दुरुपयोग होता रहा। तो मतलब आप इस बात को मानते हैं कि टेप हो रहे हैं विपक्ष के मोबाइल? 100% लेकिन हमारे राहुल भाई एकदम ईमानदार है, उनका फोन ऐप कर लो, बंगला छीन लो, उनको जेल भेज दो, लेकिन जनता उसके साथ। 100% फोन टेप हो रहे हैं और ये अपने मिनिस्टरों का भी करवा रहे हैं। इनके 80% नेता बड़े जो है कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, 80% 2024 के चुनाव में। देखिए, अभी सीधे तौर पे आपने देखा कि लोगों ने ये बोला कि फोन टैपिंग जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, वो इससे सहमत हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं ये लोगों ने बताया, ये मैं तो आपको बता नहीं सकता, आप खुद समझिए कि आखिर फोन टैपिंग क्यों हो रहा है। आप भी लिखिए क्या सही में फोन टैप हो रहा है ये विपक्ष के लोगों का। आज के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।